हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी अपने YouTube चैनल उदयपुर क्लासेस पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं BSTC की काउंसलिंग को लेकर, क्या कुछ अपडेट आप लोगों के लिए रहने वाला है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आपके लिए डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट बताने वाला हूँ। जब आप काउंसलिंग कराओगे और काउंसलिंग के बाद में जब आपको कॉलेज मिलेगा, उस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास यदि वो डॉक्यूमेंट अभी भी नहीं है, अभी तक आपने नहीं बनवाए हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी और कौन कौन से आपको है वो बनवाने हैं। तो सारी बात इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ। और वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, स्किप है वो मत करना, क्योंकि जो चीज़ बताऊँगा एक्यूरेट बताने वाला हूँ, शायद ही कोई आपको बताने की कोशिश की होगी अभी इतने हाल फिलहाल दिनों में। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। और CET की तैयारी कर रहे हो और अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है, या आपने मुझे मैसेज कर दिया है और मैंने आपको लिंक नहीं भेजा है, तो थोड़ा वेट कर लो। और यदि आपने अभी तक मुझे मैसेज ही नहीं किया है CET ग्रुप में शामिल होने के लिए, तो आप बस इस नंबर पर मुझे मैसेज है वो कर सकते हो। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन करने की, आपको लिंक भेजने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको है वो ऐड कर दिया जाएगा। और शाम के समय हमारे चैनल पर क्लासेस भी चलती है, तो क्लासों को सभी लोग ज्वाइन करो। और CET का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो फॉर्म भी भर लेना। चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी काउंसलिंग से पहले आपको पता ही है कि आपके जो आपके फॉर्म है ना, फॉर्म में संशोधन शुरू हो चुका है, उसके बाद में आपके काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। देखो, एडमिशन से पहले अभ्यर्थियों को 9 नवंबर तक संशोधन का मौका दिया गया, यानी आज रात 12 बजे तक आप लोग अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। ₹50 आपकी टोकन लगने वाला है, आप लोग वो कर सकते हो। अब फॉर्म में क्या क्या करेक्शन कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप लोग देख सकते हो, है ना, बहुत सारी चीज़ इसमें दी। देखो, आप संशोधन केवल कैटेगरी और जेंडर में कर सकते हो। आपकी कैटेगरी क्या है, जैसे आपकी कैटेगरी OBC, SC, ST, जनरल, EWS, ये कैटेगरी है, इसके अंदर आप लोग अपना संशोधन कर सकते हो। यदि भूल में आपने जैसे PS कैटेगरी हो गई, विकलांगता वाली, मतलब जो सैनिक वाली कैटेगरी हो गई, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज है इसके अंदर, उस कैटेगरी में आपने पहले भूल उसको अलग कैटेगरी डाल दो, वो संशोधन कर सकते हो। और अपना जेंडर है वो चेंज कर सकते हो। ये दो चीज़ें हैं। बाकी काउंसलिंग के लिए 10 दिन आपको मिलने वाले हैं, 10 दिनों के अंदर आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। देखो, प्रदेश के डीलिट कॉलेज एडमिशन के करीब अभी तक 10 दिन का समय दिया जाएगा। और ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस 15 नवंबर के आसपास शुरू होने की संभावना है, यानी आज 9 नवंबर हो चुकी है, लगभग 15, मतलब कहने का मतलब 13-14 तक आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यहां पर नीरू भारद्वाज जी का कहना है कि 9 नवंबर के बाद में आपके करेक्शन पर कोई विचार है वो नहीं किया जाएगा। तो करेक्शन आप लोग समय पर करवा दीजिए अपना फॉर्म चेक करके। चलो शुरू, अभी अब काउंसलिंग की डेट आपको पता चल गई, लगभग 13-14 के आसपास आपकी काउंसलिंग शुरू हो सकती है। बाकी और भी सारे प्रोसेस है जो कॉलेजों की मान्यताओं को लेकर है, कॉलेजों के जो एफिडेविट को लेकर है, वो कॉलेजों को मतलब सबमिट करने पड़ेंगे शिक्षा विभाग को, उसके बाद में काउंसलिंग शुरू होगी। फिर उसके बाद आपका जो है ना ऑफिशियल साइट है, वहाँ पर कॉलेजों को लिस्ट जारी की जाएगी बाकायदा, उसके बाद में काउंसलिंग शुरू होगी। ठीक है, क्योंकि पहला बिना लिस्ट के काउंसलिंग नहीं होती है, तो अभी वो शिक्षा विभाग थोड़ा टाइम लग सकता है कि कॉलेजों को लिस्ट तैयार करने के अंदर, कि कौन कौन से कॉलेज को नहीं मान्य देनी, कौन सीट रखनी कौन नहीं रखनी है। एक्यूरेट सीटें तैयार होने के बाद में उसके बाद में काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा, तो 13-14 तक आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवा लेने हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने देखो, एक सत्यापन पत्र मैं दे रहा हूँ, ये पत्र आप लोगों को कहाँ मिलेगा, ये पत्र आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा पूरा का पूरा PDF, वहाँ से आप पत्र प्राप्त कर सकते हो। इसके अंदर पूरी लिस्ट लिख दी है, यहां पर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, फिर आपको यहां पर हस्ताक्षर करना है और यहां पर अभ्यर्थी का नाम करना है। ठीक है, यहां पर हस्ताक्षर किसके करवाना है, किसी सत्यापित करवाने वाले व्यक्ति से करवाना है, जैसे कोई सरकारी नौकरी में हो गया, कोई वकील हो गया, मजिस्ट्रेट, गंभीर राजपद अधिकारी, वहां से सील लगवानी है। ठीक है, ये जब आपका कॉलेज मांगेगा तब, अभी नहीं लगवानी, ठीक है, जब कॉलेज मांगेगा आपसे, जब कॉलेज में एडमिशन होगा आपका उस समय, ठीक है, अभी नहीं। अब बस बता रहा हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं। देखो, आवेदक द्वारा घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र तो पूरा आपके साथ होना ही चाहिए, फॉर्मेट अभी जो आपके सामने दिख रहा है ये घोषणा पत्र। फिर सेकेंडरी समकक्ष की अंक तालिका, ठीक है, आपकी 10वीं की अंक तालिका, फिर आपके पास में होनी चाहिए 12वीं की अंक तालिका, देख सकते हो, ये देखो 12वीं अंक तालिका, फिर मूल निवास की सत्यापित प्रति होनी चाहिए, फिर जाति प्रमाण की सत्यापित प्रति होनी चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अति पिछड़ा वर्ग MBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र जो 1 वर्ष अधिक पुराना नहीं हो, अभी के 3 साल का हो गया, ठीक है, मान्यता होगी EWS की मान्यता, और OBC के लिए 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई ना,
पत्र प्रमाण पत्र जो एक साल से अधिक पुराना नहीं हो, यानी आपके जाति प्रमाण पत्र है ना, ये एक साल से पुराना नहीं होना चाहिए, भले अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, अति पिछड़ा वर्ग हो या जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसके लिए, ठीक है। और EWS किया तो 3 साल तक चल जाएगा। शारीरिक दिव्यांगता के लिए प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, शारीरिक दिव्यांगता आप PHO हैंडीक्रैप मतलब किसी प्रकार दिव्यांगता आपके अंदर है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। विधवा महिला की स्थिति में विधवा प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और तलाकशुदा की स्थिति में तलाकशुदा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके माता या पिता दादा कोई है सेना के अंदर है, भूतपूर्व सैनिक है, सेना के अंदर थे तो उसके आश्रित आप हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ताडा शहरी यानी आप TSB से आते हो या शहरी क्षेत्र से आते हो तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रमाण आवंटन की संस्था की प्रति आपके पास होनी चाहिए। जैसे आपको कॉलेज मिला, कॉलेज मिलने के बाद आपके लेटर जारी होगा, यही कॉलेज आपको मिला है, अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और कुछ जिसके अंदर शामिल नहीं किए तो वो मैं बता देता हूँ, आप 3,000 का चालान कटाओगे उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए। आप 13,000 फीस होगी जो 13,000 कुछ शायद है उसकी फीस की जो रसीद निकालोगे वो भी आपके पास होनी चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा एक और चीज़ बताऊँ तो आपसे TC और माइग्रेशन मांग सकता है कॉलेज, और बताऊँ तो आपसे कॉलेज है वो आपका मतलब क्या बोलते हैं ना फॉर्म की फोटो को भी मांग सकता है, आपने फॉर्म भरा था ना, फॉर्म का प्रिंट आपसे मांग सकता है। और यदि आपने एक साल फर्स्ट ईयर किया है अब आप BSTC करोगे तो आपको एक साल का गैप सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा सकता है। ये गैप सर्टिफिकेट आपका आपको कॉलेज देगा आपका, ठीक है, जहाँ आप पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर के अंदर वो देगा आपकी एक साल आप कहाँ पर थे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने सारी क्लियर कर दी है ना। बस आप लोग ये समय पर रहते ही सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए और लिस्ट में आपके टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी CET की तैयारी कर रहे हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लोग लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दो, डॉक्यूमेंट से लेकर मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।